तो साथियों ये देखिए साइलेंसर की आवाज है इसकी अंडर 350 की। हाइट कितनी है अभिनव आपकी? 5'11" साथियों 5'11" है, जैसे कि मैं शॉर्ट हाइट वीडियो पहले बना चुका हूँ अंदर का, तो इनके आप देखिएगा 5'11" के अंदर इस बाइक के ऊपर पैर पूरे फ्लैट तरीके से आते हैं। और वैसे हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संजीव आशी। तो साथियों आज यहाँ साथ में हमारे अभिनव और वंदना, और इन्होंने बाइक ली अपनी रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 डैपर ग्रे। तो अभिनव मैं अगर आपसे पूछूं कि रॉयल इनफील्ड ही क्यों भाई, तो और भी अवेलेबल है मार्केट में? सेवन सर क्लास भाई, तो उसको चलाने का क्लास जो फील होता है इसको चलाने का, कंफर्ट। ओके, बेसिकली जो एक रॉयल इनफील्ड का है कि दिलों में बसती है, ऐसा है क्या? ऐसे कुछ। ओके, 150 350 क्यों? बाकी और मतलब इसमें और भी मॉडल आते हैं, ब्लॉड वगैरह? ब्लॉड एक्चुअली मुझे एक कैफे रेसर टाइप बाइक चाहिए थी। वो अपनी जो क्लासिक है वो थोड़ी सी क्रूजर है, मुझे थोड़ा सा बीच का मॉडल चाहिए था जो कैफे रेसर भी और थोड़ा क्रूजर में है, तो मेरे लिए सूटेबल ये बाइक रही। और कलर में जैसे आपका रेवल ब्लू भी अवेलेबल है, डैपर ग्रे तो आपने लिया ही है, तो ये कलर चॉइस मतलब किसकी है, क्या मतलब ऐसा पसंद है? एक्चुअली इसका कलर का शाइनिंग है ना। ओके, शाइनिंग बहुत अच्छा है। अब इसमें आप बाहर भी देखोगे जो लोगों के पास, उनकी शाइनिंग मेंटेन है, बाकी कलर की ना शाइनिंग कम हो जाती है, इसकी शाइनिंग काफी अच्छी मेंटेन रही है। तो साथियों जैसे अभिनव ने बताया कि ग्लॉसी कलर की वजह से इन्होंने ये डैपर ग्रे को पसंद किया है। अभी ना क्या करते हैं आप? आईटी में जॉब करते हैं। अच्छा, आप जॉब करते हैं, तो बेसिकली आप इसको एज ए फन राइड यूज करेंगे या मतलब आप ऑफिस के लिए यूज करेंगे? फन राइड के लिए, बट विद इन अ सिटी एंड अराउंड सिटी। तो साथियों जैसा कि रॉयल इनफील्ड के बारे में फेमस है, ठीक है, डेली वर्क में यूज करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि 50% हम जैसे लोग हैं जो फन राइड के रूप में इस बाइक को यूज करते हैं, तो इनका मिक्स अभी आपका बता दें कि फन राइड और ऑफिस के लिए इस बाइक को यूज करेंगे। तो अभिनव जैसे कि एक साइलेंसर नोट जो बुलेट के अंदर होता है, जो या रॉयल इनफील्ड की एक पहचान है, आपको अपील करती है साइलेंसर की ये? हाँ, बट एक लिमिटेड वॉइस में, लाउड वॉइस में, लिमिटेड वॉइस में। तो बेसिकली जो उसमें धक 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 जो रहता है, उसके बारे में आप क्या मतलब आपके क्या व्यूज हैं, क्या बताना चाहेंगे? मुझे इस बाइक का सबसे बेस्ट लगता है जो इस बाइक, क्या इसकी बाइक की एक बार आवाज सुनाए? इसका आई थिंक गियर लगा हुआ है, नहीं? तो साथियों ये देखिए साइलेंसर की आवाज है इसकी अंडर 350 की। जैसे कि मैं बताता आया हूँ कि साइलेंसर की आवाज का जो इसका नोट है इसका कोई जवाब नहीं है, तो वन ऑफ द बेस्ट साउंड यू कैन सी इन रॉयल इनफील्ड। अभी ना वो जैसे हम माइलेज की बात करते हैं, तो और इकोनॉमिक बाइक भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो लोगों का एक चॉइस रहती है कि मैं इकोनॉमिक वाली बाइक को यूज करूं, तो क्या ऐसा के बाद में कुछ है क्या? कौन सी बाइक का रेफरेंस ले रहे हो? लाइट व्हीकल्स जो यू कैन से, जो 150 cc 200 cc में अवेलेबल है, स्प्लेंडर, शाइन, लाइक दैट यू कैन से, बट लाइक थोड़ा सा एक अपना शो भी अटेंड करना चाहिए इंसान को। साथ ही जो रॉयल इनफील्ड के बारे में फेमस है, वो भी अभिनव ने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो दिलों में बसती है रॉयल इनफील्ड, उसका भी एक इफेक्ट रहता है, और एक जो ब्रांड ना हो गया एक इमोशन है, कह सकते हैं क्या इमोशन है? इस बारे में आपको क्या मतलब फील करती है? मुझे बहुत लेस नॉलेज है, बट ये अच्छी बाइक है। तो जैसा कि मैं बताता आया हूँ कि रॉयल इनफील्ड एक ब्रांड ना होकर इमोशन है, बेसिकली दिलों से खेलते हैं लोग,
तो इसीलिए आज वो बाइक बहुत फेमस है। और जैसे कि सक्सेस स्टोरी में मेरी सीरीज चल रही है, उससे फिर भी काफी कुछ बताता आया हूँ। तो अभी ना एक बार जरा बाइक पे बैठ के आप जो दिखाइए किस तरीके से मतलब आप फील करते हैं। हाइट कितनी है अभी ना आपकी? 5'11" साथ ही 5'11" है। जैसे कि मैं शॉर्ट हाइट वीडियो पहले बना चुका हूँ अंदर का, तो इनके आप देखिएगा 5'11" के अंदर इस बाइक के ऊपर पैर पूरे फ्लैट तरीके से आते हैं। और वैसे ये बाइक ऐसी है कि शॉर्ट है, जैसे मैं 5'4" रहा हूँ और मेरी जो बेटी है 5'2" की, इस बाइक को बहुत अच्छी तरीके से चलाती है। तो एक ऐसे शॉर्ट हाइट और तो साथियों जैसे कि 5'11" हाइट है, कोई इनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसको बैठने पर। और ये क्या कहते हैं, इस पर काफ़ी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और अभी ना और कुछ इस बाइक के बारे में बताना चाहते हैं? अभी चलाएंगे तो बताएंगे धीरे धीरे। तो साथियों अभी ना जो है अपने ग्रुप के अंदर हैं और बोलते हैं कि चलाएंगे तो बताएंगे, तो आगे आने टाइम के अंदर अभी ना जब आपसे जब बाइक चलाएंगे आप महीने दो महीने के बाद मिलेंगे, रिव्यू करेंगे आपके साथ में। तो साथियों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने व्यूअर्स के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी ना कैन यू टेल टू आवर व्यूअर्स दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो साथियों मिलते हैं आपको अगले वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।